आप सभी को मेरा यानी नीलम सक्सेना चंद्रा का प्यार भरा नमस्कार। तो एक बार फिर से हाजिर हो गई मैं अपने कविताओं के गुलदस्ते के संग। आशा है आप लोगों ने मेरी जो दो पुस्तकें इन कुछ महीनों में आई थी, लाइन्स ऑफ फेथ और कई बसंत देखे हैं मैंने, ये ज़रूर खरीदी होंगी और पढ़ी होंगी और पढ़ के इनका रिव्यू भी किया होगा। तो इसका इनका रिव्यू आप अमेज़ॉन या गुडरीड्स पे कर सकते हैं। और इसके अलावा अब एक अनाउंसमेंट के लिए रेडी रहिए जो कि कल करेंगे हम। तो इस अनाउंसमेंट के साथ कौन सी पुस्तक के बारे में मैं बताऊंगी ये आपको पता चलेगा। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। मनीषा जी नमस्कार लिख रही हैं, नमस्कार मनीषा जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। और अपर्णा जी भी जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग लिख रही हैं, गुड मॉर्निंग अपर्णा जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। और प्रभाकर नाथ शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग प्रभाकर नाथ शर्मा जी। तो चूंकि अब काफ़ी लोग जुड़ गए हैं तो हम शुरू करते हैं कविताओं का सिलसिला, जो कि शुरू करेंगे एक फोर लाइनर के साथ कि बुझे नेत्र जब धाम ढूंढते हैं, थके पांव जब मुकाम ढूंढते हैं। बुझे नेत्र जब धाम ढूंढते हैं, थके पांव जब मुकाम ढूंढते हैं, राहें अपने आप मिलती ही जाती हैं, हारे पंख जब आसमान ढूंढते हैं। राहें अपने आप मिलती ही जाती हैं, हारे पंख जब आसमान ढूंढते हैं। तो जिंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमको कोई राह ना मिले, कोई रास्ता ना मिले, जब ऐसा लगे कि सब कुछ हार गए हैं या अब जो है आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। कोई ना कोई तरीका होता है जिससे हम आगे बढ़ जाते हैं। तो वीर चंद्रवंशी जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, मेरे ख्याल से ये पहली बार ज्वाइन किए हैं, तो आपको ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। तो जो है मैं अक्सर जब भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ हार रही हूँ तो मैं जो है अपने बचपन की ओर झांकती हूँ, क्योंकि बचपन में कई कहानी किस्से और ऐसी खूबसूरत दास्तानें दफन होती हैं जो कि हम भूल गए होते हैं, क्योंकि मिट्टी के बहुत नीचे वो खोई हुई होती हैं। परंतु उन्हें निकाल कर एक बार फिर से अपनी इंस्पिरेशन को ढूंढना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है बचपन। पुरानी एक टेबल के नीचे वाले दराज में एक डायरी के भीतर मेरा खोया हुआ बचपन मिला। अब कवियों को कहाँ अपना बचपन मिलेगा, डायरी में ही मिलेगा ना। पुरानी एक टेबल के नीचे वाले दराज में एक डायरी के भीतर मेरा खोया हुआ बचपन मिला। आशाओं के इंद्रधनुष में झूलती हुई मैं मिली, उम्मीद की किरणों से सजा हुआ एक सुनहरा अरमान मिला। आशाओं के इंद्रधनुष में झूलती हुई मैं मिली, उम्मीद की किरणों से सजा हुआ एक सुनहरा अरमान मिला। प्यार की तिजोरी मिली, छुपा हुआ माँ का प्यार मिला। प्यार की तिजोरी मिली, छुपा हुआ माँ का प्यार मिला। कभी ना हारने वाली वादियों में सैर का सामान मिला। कभी न हारने वाली वादियों में सैर का सम्मान मिला। वो पतंगों से उड़ती हुई मैं मिली, वो रंगीन कंचों का मर्तबान मिला। वो मेरे अंदर छुपा हुआ एक आगे बढ़ने का तूफान मिला। वो पतंगों से उड़ती हुई मैं मिली, वो रंगीन कंचों का मर्तबान मिला। वो मेरे अंदर छुपा हुआ एक आगे बढ़ने का तूफान मिला। आवाक सी मैं अपने आप को हलपक निहारती रह गई। आवाक सी मैं अपने आप को अलपक निहारती रह गई। खजाने को लगा लिया गले से, खुश थी कि आगे बढ़ने का निशान मिला।
खजाने को लगा लिया गले से, खुश थी कि आगे बढ़ने का निशा मिला। तो जब भी जिंदगी में ऐसा वक्त आए और की लगे कि हम हार गए हैं या हार रहे हैं, तो अपने बचपन की ओर देख लेना चाहिए और याद करना चाहिए कि कितने खुश रहा करते थे हम। ये मेरे पेज से गुड मॉर्निंग मैडम जी लिख रहा है, तो कोई पेज एडमिन होंगे, तो गुड मॉर्निंग आपको ज्वाइन करने के लिए। और संदीप शर्मा जी वेरी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग। अर्चना शर्मा जी हर बार की तरह फिर से ज्वाइन की हैं और गुड मॉर्निंग लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वीर जी लिख रहे हैं, वाह मैडम बहुत अच्छी स्मार्ट, यहाँ पे तो मैं कविताओं के लिए आई हूँ तो आशा है आपको मेरी कविताएँ पसंद आ रही हैं। मनीषा जी वहाँ लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया मनीषा, आपकी कविताएं भी बहुत खूबसूरत होती हैं। प्रभाकर नाथ जी लिख रहे हैं, वेरी नाइस लाइन्स, थैंक यू प्रभाकर नाथ जी। वीर जी लिख रहे हैं तो इनको कविताएं बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत शुक्रिया। सुरेखा लिख रही है, शुभ प्रभात, हाय सुरेखा, तुम तो मेरे पेज की शान हो और तुमको जुड़ते देख के बहुत अच्छा लगता है, वैसे तुम लगभग हर बार जुड़ती ही हो। तो बढ़ते हैं आगे और एक फोर लाइनर। फुर्सत के इन पलों में जहन को मिला एक अनजाना सुकून। कुछ महीनों पहले तक तो फुर्सत के ही पल थे ना, तो फुर्सत के इन पलों में जहन को मिला एक अनजाना सुकून। तिनका तिनका मेरी उम्मीद सुलगी, मेरे मन को मिला एक नया जुनून। तिनका तिनका मेरी उम्मीद सुलगी, मेरे मन को मिला एक नया जुनून। तो आशा है आप लोगों को भी इस तरह का जुनून मिला होगा। और मदन लाल शर्मा जी ज्वाइन किए हैं और वो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग मदन लाल जी ज्वाइन करने के लिए। अपर्णा जी लिख रही हैं, बहुत सही कहा नीलम, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। और अंकुर शर्मा जी स्वागत है लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया अंकुर जी। और भरत लखासर जी भी ज्वाइन किए हैं और लिख रहे हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और पसंद करने के लिए। और पीयूष कुमार जी नमस्कार लिख रहे हैं, आपको भी मेरा नमस्कार। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है ये भावों का सैलाब है। यह भावों का सैलाब है, जाने किधर जाएगा, ये भावों का सैलाब है, जाने किधर जाएगा, अल्फाज बन किसी गजल में बिखर जाएगा, आवाज बन किसी गजल में बिखर जाएगा। रोशनी है इसकी चांद तारों सी खिली खिली, वो आसमानों में फैल जग को जगमगाएगा। रोशनी है इसकी चांद तारों सी खिली खिली, वो आसमानों में फैल जग को जगमगाएगा। खुशबू है इसकी चमेली सी प्रफुल्लित पुलकित, बहार बनकर बागों में निखार लाएगा। खुशबू है इसकी चमेली सी प्रफुल्लित पुलकित, बहार बनकर बागों में निखार लाएगा। सुर है इसके वो जो महफिल को महका दें, रंगीन कोई गीत बन फिजा में गुनगुनाएगा। सुर है इसके वो जो महफिल को महका दें, रंगीन कोई गीत बन फिजा में गुनगुनाएगा। इसके रंग झूलते हैं इंद्रधनुष के झूले में, रोगन पताका सा दिशो दिशा में मुस्कुराएगा। इसके रंग झूलते हैं इंद्रधनुष के झूले में, रोगन पताका सा दिशो दिशा में मुस्कुराएगा। इसकी लौ जलती है सुबह शाम दोपहर, वो अंधेरी रातों को भी प्रज्वलित कर जाएगा। इसकी लौ जलती है सुबह शाम दोपहर, वो अंधेरी रातों को भी प्रज्वलित कर जाएगा। ये भावों का सैलाब है, जाने किधर जाएगा, अल्फाज बन किसी गजल में बिखर जाएगा। भावों का, एहसासों का सैलाब तो अक्सर आता ही रहता है,
अब डिपेंड ये करता है कि हम इसको क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं, और हमारे थॉट्स को कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। तो अपने भावों के सैलाव को मैं ऑप्टिमिज्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी हारती भी हूँ, ऐसा नहीं कि हम हरदम जीतेंगे, कभी कभी हारती हूँ, पर ज़्यादातर जीत पाती हूँ। और इसके लिए मैं एक ही जन को धन्यवाद देना चाहती हूँ, वो है ईश्वर। तो देखते हैं कमेंट्स को, और जो है मैं मनीषा जी, आई एम श्योर एक कमेंट ज़रूर देंगी कि गार्डन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो संजय सिंह सिन्हा जी ज्वाइन किए हैं और लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग जी, नाइस वन, थैंक यू संजय जी। फिर शोभा बुआ जी ज्वाइन कर लिए और वेलकम लिख रही हैं, थैंक यू शोभा बुआ जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। और मनीषा जी लिख रही है इतनी अच्छी धूप खिली है आपके गार्डन में। मैं श्योर थी कि आपने जरूर कुछ ना कुछ कमेंट लिखा होगा इसके बारे में, क्योंकि आप भी कुदरत प्रेमी हैं और मैं भी कुदरत प्रेमी हूँ। अ प्लेजेंट साइट एंड ब्यूटीफुल पोएट्री बाय यू, थैंक यू सो मच। कभी आप जरूर पुणे आइए। और डॉक्टर गगनदीप ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो कि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हैं, और इनके वीविंग ड्रीम्स पे मैं अक्सर काव्य पाठ में जाती हूँ, तो आप लिख रही हैं वहाँ, बहुत शुक्रिया। और दीनानाथ सिंह लिख रहे हैं वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया दीनानाथ जी। और शोभा बुआ लिख रही है बाहर बनकर बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गगनदीप जी लिख रही हैं ब्यूटीफुल, थैंक यू। और अर्चना शर्मा जी लिख रही हैं वाह वाह मैम, थैंक यू अर्चना जी। और शोभा बुआ लिख रही हैं अति सुंदर गेटअप, अरे थैंक यू बुआ जी। और विभा रानी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और ये बहुत खूब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया विभा ज्वाइन करने के लिए भी और सुनने के लिए भी। अपर्णा प्रधान जी लिख रही है वाह वाह बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। चारू कपूर जो कि थोड़े दिन पहले मेरे पेज पर लाइव आई थी और अच्छी कवियत्री है बहुत, लिख रही है गुड मॉर्निंग नीलम जी, लवली गार्डन, थैंक यू, आई होप आई एम ऑल्सो लवली। मनीषा जी लिख रही हैं आई लव पुणे सिटी, तो आई होप यू लव मी ऑल्सो, सो प्लीज कम एंड मीट मी, आई बीन देयर अर्लियर एज वेल। अब मेरी मुझे मेहमान नवाजी का ये दें, मौका दें। तो बढ़ते हैं आगे एक फोर लाइनर के साथ, शुरू करेंगे। मत बांधो रिश्ते को ऐ साथी कि बंधते ही वो गुजर जाएगा, मत बांधो रिश्ते को ऐ साथी कि बंधते ही वो गुजर जाएगा। और ये जो तेरा मेरा किस्सा है एक छोटे से लम्हे में बिखर जाएगा, और ये जो तेरा मेरा किस्सा है एक छोटे से लम्हे में गुजर जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना कि रिश्ते में बांधना अच्छा नहीं होता है कुछ रिश्तों को, तो उसी पे बेस्ड है ये कविता। मनीषा लिख रही है श्योर नेक्स्ट टाइम वेटिंग। चारू जी लिख रहे हैं बिल्कुल, आप तो लवली हैं जी। थैंक यू ये कमेंट मैंने कुछ चुरा ही लिया है आपसे, तो स्टिल आई डोंट माइंड, थैंक यू। तो जो अगली कविता मैं पेश करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है प्रेम। बॉलीवुड की एक फिल्म देख रही थी, बॉलीवुड की एक फिल्म देख रही थी। जैसे ही फिल्म शुरू हुई पता था कि अंत में हीरोइन और हीरो का मिलाप होना सुनिश्चित ही है। सोचने लगी कि जब अंत सुनिश्चित है तो फिल्म हम देखते ही क्यों हैं? सोचने लगी जब अंत सुनिश्चित है तो फिल्म हम देखते ही क्यों हैं? क्या सिर्फ ये जानने के लिए कि दोनों कैसे मिलते हैं? फिर याद आने लगी मोहब्बत की वो पराकाष्ठा जो परे थी मिलने की चाहत से।
फिर जाने ही मोहब्बत की वो पराशा जो परे थी मिलने की चाहत से। राधा ने बहुत प्रेम किया था कृष्णा से, ये जानते हुए भी कि उनकी तकदीर में मिलना लिखा ही नहीं है। पर क्या उनकी प्रेम कहानी खत्म हुई? उनकी मोहब्बत पर तो अभी भी न जाने कितने गीत और कितनी कविताएं लिखे जाते हैं। और मीरा, मीरा का तो प्रेम रूहानी था, मीरा का तो प्रेम रूहानी था। राधा ने कम से कम कृष्ण के साथ सानिध्य का अनुभव तो किया था, मीरा ने तो वो भी नहीं किया था, पर करती रही प्रेम। सीता को राम ने त्याग दिया, पर फिर भी किसी और को उसने अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। सीता को राम ने त्याग दिया, पर फिर भी किसी और को उसने अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी। अपनी जिंदगी में जगह क्यों देती वो? और यशोधरा, यशोधरा को सिद्धार्थ के जाने के पश्चात कितने शादी के प्रस्ताव आए, पर फिर भी उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। यशोधरा को कितने सारे शादी के प्रस्ताव आए, पर फिर भी उसने किसी की ओर देखा तक नहीं। आखिर प्रेम करने का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है, और प्रेम भी सिर्फ प्रेम से होता है, प्रेमी या प्रेमिका मिले या ना मिले। अब भला इन फिल्मकारों को कौन समझाए कि असली प्रेम क्या होता है? अब भला इन फिल्मकारों को कौन समझाए कि असली प्रेम क्या होता है? और फिर टीआरपी भी तो मिलन पर ही मिलती है ना? और फिर टीआरपी भी तो मिलन पर ही मिलती है ना? खैर, दिखाने दो उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को वही प्रेम जो आम जनता चाहती है। दिखाने दो उन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को वही प्रेम जो आम जनता चाहती है, पर तुम करो तो ऐसा प्रेम करो जिसमें कोई चाहत ही ना हो। तुम करो तो ऐसा प्रेम करो जिसमें कोई चाहत ही ना हो। तो ये थी मेरी कविता प्रेम, और देखते हैं कि क्या कमेंट्स आए हैं। शोभा बुआ जी लिख रही हैं कि फोर लाइनर्स बहुत सुंदर होते हैं। थैंक यू, आपको मेरे फोर लाइनर्स बहुत पसंद आते हैं, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और केपी सिंह सर जो मेरे सीनियर हैं कॉलेज के, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, वो हेलो लिख रहे हैं। हेलो सर, आप मंडी से वापस आए कि नहीं आए? कितनी सुंदर जगह में आप रहते हैं, कितने सुंदर जगह आपका घर है। मैं एक बार मंडी गई थी तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और शोभना तरुण सक्सेना ज्वाइन कर ली हैं जो कि मेरी कज़न है। नमस्कार दी लिख रही हैं, नमस्कार शोभना, आई होप यू आर वंडरफुल। प्रमोद जी जो कि हर काव्य गोष्ठी को लगभग ज्वाइन करते हैं, लिख रहे हैं आपका अभिवादन, आपका अभिवादन, आप उम्र में उससे बड़े हैं। और मंजू आंटी ने भी ज्वाइन कर लिया है और लिख रही हैं हेलो नीलम, हेलो मंजू आंटी। और रेनू लिख रही है हाय डियर नीलम, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ओ थैंक यू सो मच डियर। और रेनू लिख रही हैं सो ट्रू, प्रेम की यही परिभाषा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एग्री करने के लिए, कवि ही कवि को अच्छे से समझ सकता है। और टीआरपी पे हंस रही है, पर टीआरपी के लिए ही तो आधी पिक्चरें बनती है ना, मसाला मूवीज। अजय चौहान जी लिख रहे हैं हेलो नमस्ते, नमस्ते अजय जी। मनीषा जी लिख रही हैं प्रेम तो शाश्वत है, बिल्कुल सही कहा, प्रेम शाश्वत है। और मंजू आंटी लिख रही है लुकिंग सो ब्यूटीफुल, थैंक यू मंजू आंटी। और चारू कपूर जी लिख रही है लवली, थैंक्स डियर। और अजय जी लिख रहे हैं सुपर, थैंक यू अजय जी। केपी सिंह जी लिख रहे हैं यस आई एम बैक। केपी सिंह सर जो है बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप इनके पेज को ज़रूर ज्वाइन करिए और लुत्फ उठाइए इनके अच्छे पिक्चर्स का। अनीता जी लिख रही हैं हाय नीलम, गुड मॉर्निंग, हाय अनीता जी।
आप ज्वाइन करती हैं तो चार चांद खिल जाते हैं धूप में भी। अजय जी लिख रहे हैं, आप ही हर कविता सुंदर लगती है, बहुत शुक्रिया, आपको मेरी कविताएं पसंद आती हैं। शोभा जी लिख रही हैं, प्रेम तो प्रेम होता है, पाना नहीं है, है ना। बिल्कुल सही बुआ जी। और प्रमोद जी भी इसी बात पे लिख रहे हैं, और महेंद्र छिब्बर जी ज्वाइन किए हैं, और नमस्कार नीलम जी लिख रहे हैं, आपको बहुत बहुत नमस्कार। अजय जी लिख रहे हैं, आपकी रचना अति सुंदर होती है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप लोग के कमेंट्स इतने सुंदर होते हैं कि मुझे यहाँ आने का मन करता रहता है। लिख रहे हैं, आप सुपर कवि हो, बहुत शुक्रिया। अनीता जी लिख रही है, लुकिंग फ्रेश एंड ब्यूटीफुल, बहुत शुक्रिया, आज मुझे बड़े कमेंट्स मिल रहे हैं। और मंजू आंटी लिख रही हैं, बहुत सुंदर रचना, बहुत शुक्रिया। और अजय जी लिख रहे हैं, आपकी आवाज़ बहुत स्वीट है। आवाज़ तो कविता के अनुसार होती है, कविता के भाव के अनुसार आवाज़ में कवि कहता है अपनी कविताएं, और आपको अच्छी लग रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक फोर लाइनर, क्योंकि यहाँ पे कई लोग मेरे फोर लाइनर्स के ज़्यादा कायल हैं। तो ये जो दो बादामी नैनों की भाषा है, ये तेरे गुलाबी दिल की अभिलाषा है। ये जो दो बादामी नैनों की भाषा है, ये तेरे गुलाबी दिल की अभिलाषा है। सपने इतने हसीन से हैं कि बदलने वाली भविष्य की परिभाषा है। सपने इतने हसीन से हैं कि बदलने वाली भविष्य की परिभाषा है। तो अगर सपने हम देखें, और अच्छे सपने देखें, कुछ खूबसूरत सपने देखें, कुछ पाने के सपने देखें, कुछ ख्वाहिश के सपने देखें, तो और उसके लिए मेहनत करें, तो वो ज़रूर पूरे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और शायद आप लोग का भी यही मानना होगा, क्योंकि बिना ड्रीम्स के, बिना थॉट्स के कुछ आगे नहीं बढ़ता। ड्रीम्स एक ऐसा बीज है जिसको आप अगर मिट्टी में खोदेंगे और उसे अच्छे से पानी देंगे, खाद देंगे, तो ज़रूर ये एक स्वरूप ले लेगा। तो जो है, आगे कमेंट्स देखते हैं। फिल्म हमारी जवानी का अभिन्न अंग थी, सभी लोग फिल्म देखते हैं, परंतु क्या देखना है, यानी बचपन में तो जो दिखता है हम देख लेते हैं, और जो सबसे पॉपुलर होता है वो देख लेते हैं, परंतु बाद में बदलता जाता है सबका, सबकी सोच का दायरा। कुछ लोगों को अब भी वही फिल्म पसंद आती है, फिर कुछ लोग अपनी परिभाषाएं बदल लेते हैं। अजय जी लिख रहे हैं, वाह वाह सुपर कविता, बहुत शुक्रिया अजय जी। शोभा बुआ जी लिख रही हैं, बहुत सही, बहुत शुक्रिया। और शकुंतला तनवार जी ने ज्वाइन किया है, आपका फोर लाइनर स्टाइल अद्भुत है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मंजू आंटी वाह लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया मंजू आंटी। तो बढ़ते हैं मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है जिंदगी का झरना। इसी टॉपिक पर मैंने एक कविता और लिखी थी, उसमें कुछ अलग भाव थे, इसमें थोड़े से अलग हैं, परंतु सार वही है। तो जिन्होंने सुनी है वो लोग इस सार को समझेंगे और इस कविता को पसंद करेंगे। जिंदगी का झरना। जिंदगी का झरना जब नदी बन बह निकलता है, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो तो सिर्फ आगे को देखता है, आगे की सोचता है, और आगे को ही बढ़ता है। जिंदगी का झरना जब नदी बन बह निकलता है, तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो तो सिर्फ आगे को देखता है, आगे की सोचता है, और आगे को ही बढ़ता है। तब उसे याद नहीं आते वो एहसास जो उसे पहाड़ से बिछुड़ने का गम दिया करते थे। तब वो नहीं खो जाता है दर्द के उन दास्तानों में जो उसे रुला दिया करते थे, और वो तन्हाई और खामोशी जिससे वो कभी बहुत डरा करता था, उसे उसे तो वो गले से लगा लेता है। तब उसे याद नहीं आते वो एहसास जो उसे पहाड़ के बिछुड़ने से होने का गम दिया करते थे। तब वो नहीं खो जाता दर्द की उन दास्तानों में जो उसे रुला दिया करते थे, और वो तन्हाई और खामोशी जिससे वो कभी
बहुत डरा करता था। उसे उसे तो वो गले से लगा लेता है, जो हाथ में ही नहीं होता। हम अक्सर उससे चिपके रहते हैं और वो ख्वाहिश किसी जोंक की तरह हमारा खून चूसती है। जो हाथ में ही नहीं होता, हम अक्सर उससे चिपके रहते हैं और वो ख्वाहिश किसी जोंक की तरह हमारा खून चूसती है। कुछ तमन्नाओं को छोड़ना ही पड़ता है, और वो छोड़ देना अच्छा होता है हर दास्तां के लिए, चाहे वो झरना हो या हमारी जिंदगी। कुछ तमन्नाओं को छोड़ना ही पड़ता है, और वो छोड़ देना अच्छा होता है हर दास्तां के लिए, चाहे वो झरना हो या हमारी जिंदगी। मुड़ मुड़ कर कुछ हासिल नहीं होता, हर किस्से से कुछ सीखो और फिर बढ़ते जाओ किसी अलबेली नदी की तरह। मुड़ मुड़ कर कुछ हासिल नहीं होता, हर किस्से से कुछ सीखो और फिर बढ़ते जाओ किसी अलबेली नदी की तरह इतराते हुए। तो ये थी मेरी कविता जिंदगी का झरना। जिंदगी और झरना दोनों में बहुत सिमिलैरिटी है कि झरने को जब पहाड़ का साथ छोड़ना होता है तो उसे नहीं पता होता है कि वो नदी बनने वाला है और इससे खूबसूरत उसकी जिंदगी होने वाली है। वैसे ही कुछ जैसे कैटरपिलर को नहीं पता होता कि वो तितली का रूप धारण करने वाला है। तो जब मुश्किलें आए तो वो किसी न किसी लेसन के लिए आती हैं और हमारे आगे बढ़ने के लिए होती हैं, हमें किसी और चीज़ की तैयारी करा रही होती हैं। तो कभी हार मत मानिए, और जो मुश्किलें आए उनको अपने गले से लगा लीजिए और आगे बढ़ते रहिए। यही मेरा भी ख्याल है, और मुझे लगता है कि आपका भी ख्याल होगा। तो कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। मंजू आंटी वाह लिख रही हैं, अर्चना शर्मा जी वाह वाह लिख रही हैं, और प्रमोद जी लिख रहे हैं ख्वाब जरूरी हैं, बिल्कुल सही। और यदि आप लोग स्टिकर्स पोस्ट करते हैं तो वो यहाँ नहीं दिखते हैं जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करती हूँ उसमें, तो आप कमेंट्स लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हीरा कलाल जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत शुक्रिया। और अजय चौहान जी लिख रहे हैं, मैं आपकी कविता का दीवाना हूँ। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अगेन हीरा जी के कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे, एक अजय जी का भी कमेंट नज़र नहीं आ रहा है, और गिनी बागरी जी ने ज्वाइन किया है और वो नमस्कार लिख रहे हैं। आपको बहुत बहुत नमस्कार गिनी जी। और अजय जी लिख रहे हैं नाइस लाइंस, बहुत शुक्रिया। पारुल ने ज्वाइन कर लिया है, हाय पारुल, और वो लिख रही है सहमत, बहुत शुक्रिया। अपन जी का कमेंट नज़र नहीं आ रहा, अजय जी का कमेंट नज़र नहीं आ रहा। विनीत ठाकुर जी ने भी ज्वाइन किया है परंतु उनका भी कमेंट नज़र नहीं आ रहा। और अजय जी ब्यूटीफुल कविता लिख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। संजय जी ने ज्वाइन कर लिया है परंतु आपका भी कमेंट नज़र नहीं आ रहा है। सुरेखा लिख रही हैं कि जिंदगी का झरना सदा आगे ही आगे बढ़ता, छोड़ सारे दुख दर्द और चाह सब छोड़ बढ़ता। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। चाह नहीं, दुख दर्द छूटता है, चाह नहीं छूटती है और ना छूटनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन चाह छूट जाएगी उस दिन हम जिंदा लाश हो जाएंगे। अर्चना जी लिख रही हैं, वाह वाह मैडम, बहुत शुक्रिया। और मंजू आंटी लिख रही हैं, अति सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत शुक्रिया। और अजय जी लिख रहे हैं, लवली लाइन्स, बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी लिख रहे हैं, जोश खरोश बनाए रखें। बिल्कुल सही कहा आपने कि जोश बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। और संजय जी खूब सारे फूल दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मेरे बाग में से भी मैं कुछ तोड़ देती हूँ। मनीषा जी लिख रही हैं, सुंदर, बहुत शुक्रिया। और अजय जी बहावा लिख रहे हैं, पारुल को भी पोएम्स बहुत पसंद आई। अजय जी लिख रहे हैं, अति सुंदर। और शोभा बुआ जी लिख रही है, जो ख्वाहिश में नहीं उसे मत सोचो, आगे बढ़ते जाओ। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी मेरी बात से सहमत होने के लिए। और चारू जी लिख रही हैं, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। अपर्णा जी लिख रही हैं, वेरी वेल सेड। रेनू लिख रही है, बहुत खूब। शिव बहादुर जी ज्वाइन कर लिए हैं और लिख रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। नंद द्वारका जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपको भी।
और अजय जी वेलकम लिख रहे हैं, अपर्णा जी लिख रही है ख्वाब जरूरी है और पूरा करने की ख्वाहिश भी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, परंतु अगर कोई ख्वाब टूट जाए तो उससे बहुत दुख नहीं होना चाहिए, अगले ख्वाब की ओर बढ़ जाना चाहिए। चंद्रकांत खराड़े जी भी ज्वाइन कर लिए हैं, परंतु आपके कमेंट्स मुझे नजर नहीं आए हैं, ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। दीपिका गर्ग ने भी ज्वाइन कर लिया, लिख रही है ऑलवेज वंडरफुल योर पोएम्स आर। थैंक यू दीपिका, को बहुत दिनों से जानती हूँ और बड़ा अच्छा लगा ज्वाइन किया। अजय जी लिख रहे हैं आप लाइव आती है तो दिल खुश हो जाता है। अरे वाह क्या बात है। विनय जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये मेरी लगभग सब बुक्स पढ़ चुके हैं तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विनय जी। अजय जी का ये कमेंट नजर नहीं आ रहा, तो अब बढ़ते हैं आगे। एक फोर लाइनर मैं आपको सुनाना चाहूंगी क्योंकि आप लोग उसके उसको पसंद करते हैं। खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा। खामोशी जब बीतेगी बात जन्म लेगी, रात जब गुजरेगी दिन जन्म लेगा। है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर, देर हो सकती है साथ उजाला हरदम देगा। है जिंदगी का यही खुशनुमा दस्तूर, देर हो सकती है साथ उजाला हरदम देगा। तो कभी भी देर होने से नहीं डरना चाहिए कि आपने कुछ चाहा और आपको मिल नहीं रहा है। उसको उस पर रिफ्लेक्ट करिए कि क्या कमी रह गई आपकी चाहत में या कोशिशों में, और फिर दोबारा उस पर जुट जाइए, फल जरूर मिलेगा। तो जो है मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक ख्वाब। जो पहुंच के भीतर हो उसे तो हम यूं ही कूद कर या फिर लपक कर पकड़ लेते हैं। जो पहुंच के भीतर हो उसे तो हम यूं ही कूद कर या फिर लपक कर पकड़ लेते हैं। हम उन चीजों के हम ख्वाब नहीं देखते, ख्वाब तो उसका दिखता है जो एक तारे सा जहन में टिमटिमाता है कहीं, जिसका पूर्ण स्वरूप नहीं होता, बस एक हल्की सी लौ होती है। ख्वाब तो उसका दिखता है जो एक तारे सा जहन में टिमटिमाता है कहीं, जिसका पूर्ण स्वरूप नहीं होता, बस एक हल्की सी लौ होती है। मैंने भी एक ख्वाब देखा था कभी, जो तब असंभव सा लगता था और बस एक ख्याल मात्र का बिल्कुल लोहे के टुकड़े जैसा था। मैंने भी एक ख्वाब देखा था कभी, जो तब असंभव सा लगता था और बस एक ख्याल मात्र था, बिल्कुल लोहे के टुकड़े जैसा। उस लोहे के टुकड़े को रख दिया मैंने एक मर्तबान में और उसे उम्मीद की चिंगारी पर एक अलाव सा जलने दिया। उस लोहे के टुकड़े को रख दिया मैंने एक मर्तबान में और उसे उम्मीद की चिंगारी पर एक अलाव सा जलने दिया। आज मैंने सुबह सुबह जब उस मर्तबान का ढक्कन खोला तो पाया कि वो लोहा कुछ कुछ सोने में परिवर्तित हो रहा है। आज मैंने सुबह सुबह जब इस मर्तबान का ढक्कन खोला तो पाया कि वो लोहा कुछ कुछ सोने में परिवर्तित हो रहा है। अब जो है इसमें एल्केमी आ गई कि लोहे को यूं तो सोने में कभी भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परंतु ख्वाब में वो ताकत होती है कि जो आपके अंदर जल रही हल्की सी चिंगारी होती है उसको स्वरूप दे पाए और उसे पूरा कर पाए, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो ये मैंने किसी खास इसके लिए ये कविता लिखी थी कि मैं कुछ पाना चाहती थी और उसके लिए किस तरह मैंने मेहनत की और फिर उसको पाया था। आशा है आप लोग भी इससे इंस्पिरेशन लेंगे और जो है आप लोग भी अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे। शोभा बुआ जी लिख रही हैं क्या खूब खा, बहुत शुक्रिया शोभा बुआ जी। और अजय जी लिख रहे हैं सुपर रचना, बहुत शुक्रिया। मंजू आंटी लिख रही हैं बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत शुक्रिया।
मंजू आंटी लाजवाब लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे जयप्रीत ग्रोवर ने ज्वाइन कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी कवयित्री हैं, वो भी वेरी ट्रू लिख रही हैं, बहुत शुक्रिया जयप्रीत। रेनू लिख रही है पोएट सुपरसीड द केमिस्ट्री, यस। वैसे केमिस्ट्री एक्सपर्ट तो रेनू है, परंतु दिल के एक्सपर्ट तो हम सभी हैं, सारे कवि हैं। और रेनू लिख रही है वेरी इंस्पायरिंग दो, थैंक यू सो मच। देवप्रिया अमर तिवारी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, परंतु उनके कमेंट्स नजर नहीं आ रहे हैं, तो वक्त का तो पता ही नहीं चलता। और हम आखिरी कविता, मैं अपनी आखिरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ। इससे पहले शोभा बुआ जी लिख रही हैं, ख्वाब लोहे को ही सोना बना देता है, तुम खरा सोना बन चुकी हो। ये आपकी खासियत है कि आप इतना अच्छी बात मेरे लिए लिख रही हैं। पता नहीं मैं क्या हूँ, पर हाँ जो भी हूँ मैं खुश हूँ, सुकून से हूँ। और दीपिका लिख रही हैं, ख्वाब होंगे तभी यथार्थ होगा, सुंदर रचना मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि वक्त का पता ही नहीं चलता और मैं अपनी आखिरी कविता की ओर बढ़ रही हूँ, तो अब जो क्वेश्चन मैं हर बार पूछती हूँ कि आपको मेरी सबसे अच्छी कविता कौन सी लगी और क्यों, इस पे यदि आप कुछ कमेंट्स लिखना चाहें तो तब तक लिख सकते हैं। तो पहले एक फोर लाइनर, जब भी जिंदगी में दो राह आ जाए तुम संयम से काम लेना, जब भी जिंदगी में दो राह आ जाए तुम संयम से काम लेना, और जब चल ही दो किसी एक रास्ते पर छोड़ी हुई राह को मुड़ मुड़ के न तकना, और जब चल ही दो किसी एक रास्ते पर छोड़ी हुई राह को मुड़ मुड़ कर न तकना। ऐसा अक्सर होता है ना कि हमारे पास एक दो राह होता है, कभी कभी तिराहा भी होता है और चौराहा भी होता है, परंतु हम किसी एक रास्ते को पकड़ लेते हैं। तो अगर किसी एक रास्ते को पकड़ लिया तो उस पे बंद कर रहना चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए उस पे चलने की। यदि हम उस पे चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो बहुत सोच समझ के अपने रास्ते अपनाने चाहिए, और फिर एक बार अपना लिया तो उस पे ही कायम रहना चाहिए। और शोभा बुआ जी को झरना वाली कविता बहुत अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। पारुल लिख रही है ट्रू, थैंक्स डियर। और जो है बढ़ते हैं अब मेरी अगली कविता की ओर, जिसका शीर्षक है कैद। जी हाँ, कैद। ये मैंने लिखी थी करवा चौथ के दिन, तो आपको सुनाना चाहूंगी। ये कुछ अलग भाव में है, कुछ अलग अंदाज में है। हाँ, बहुत खूबसूरत दिख रहा था वो इंसान को, दुनिया को, पर छलनी में फंसा हुआ चांद किसी तरह कैद से निकलने के लिए तड़प रहा था। हाँ, बहुत खूबसूरत दिख रहा था वो इंसान को, दुनिया को, पर छलनी में फंसा हुआ चांद किसी तरह कैद से निकलने के लिए तड़प रहा था। उसे देखकर कितनी सखियों ने उस दिन अपने उपवास भी तोड़ दिए थे, और उनके प्रीतम उनका हाथ पकड़ ले और उनके प्रीतम उनका हाथ पकड़ ले गए उन्हें भीतर अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए। पर चांद तो कैद था चलनी में, और वो उसके पलकों के कोने से आंसू की कुछ बूंद लुढ़क कर उसके गालों को गीला कर रही थी। न जाने कहां से मुझे सुनाई दे गया उसका वो सुबकना, और मैं उसे सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर टंगी हुई छलनी में से निकाल दिया। न जाने कहां से मुझे सुनाई दे गया उसका वो सुबकना, और मैंने उसे सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर टंगी हुई छलनी में से निकाल दिया। वो खुशी खुशी आसमान में उड़ गया और अपनी मदमस्त चाल में घूमने लगा आवारा सा। वो खुशी खुशी आसमान में उड़ गया और अपनी मदमस्त चाल में घूमने लगा आवारा सा। कैद किसे अच्छी लगती है?
चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो। कैद किसे अच्छी लगती है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो। तो ये थी मेरी कविता कैद। तो इसके जरिए मैं ये कहना चाहती थी कि अक्सर हम लोग अपने प्रियजनों को या किसी लोगों को जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर कंट्रोल करना आपको हो सकता है अच्छा लगे तब, पर कंट्रोल करना कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल करने से सामने वाला आदमी बिल्कुल उसे पसंद नहीं करता। कुछ दिन वो रहता है उस कैद में, पर कोई ना कोई या तो आके उसे छुड़ा देता है, या वो खुद उड़ जाता है या उड़ जाती है, और आप फिर यूं ही हाथ धरे हुए अकेले रह जाते हैं। तो कभी जिंदगी में किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, मैं भी नहीं करती, चाहे वो कितना ही अजीज हो। तो ये थी मेरी आखिरी कविता, और देखते हैं कमेंट्स क्या आए हैं। रेनू लिख रही है, सभी पोएम्स में कोई ना कोई मैसेज था, सो एक चुनना मुश्किल है। थैंक यू रेनू, थैंक यू। और अरविंद देहरिया जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, हेलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, नाइस मैम लिख रहे हैं। और मंजू आंटी लिख रही हैं, झरना इज अ वेरी नाइस पोएम, मोटिवेशनल, थैंक यू आंटी। और शोभा बुआ जी लिख रही हैं, वहां तुमने चांद को आजाद कर दिया। कभी कुछ भी कर सकता है, तो मैंने चांद को भी आजाद कर दिया। दिव्य अमर तिवारी जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत शुक्रिया। और पारुल लिख रही है, बढ़िया सोने का पिंजरा भी रहता है, पिंजरा ही है, बढ़िया सोने का पिंजरा है, पर वो भी रहता तो पिंजरा ही है। सही कहा पारुल, मेरी बातों को जो है और ठोस तरीके से कहा पारुल ने। और मंजू आंटी लिख रही है, बेहतरीन रचना। अर्चना जी लिख रही है, वाह वाह मैम। और चित्रंजन जी ने भी ज्वाइन कर लिया, अरे वाह, आपको देख के बहुत अच्छा लगा, आप और भी आया करें, हर संडे को मैं लाइव जाती हूँ 11 बजे। चित्रंजन जी लिख रहे हैं, माफी पर मैं इस वक्त ही जुड़ पाया जब तक आपकी कविताएं खत्म हो चुकी थी। कोई बात नहीं, आप अगले अगले संडे ज्वाइन कर लें, और यूं भी इस लाइव शो का रिकॉर्डिंग तो आप देख ही सकते हैं। अर्चना जी लिख रही हैं, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते एक फोर लाइनर आप सभी के लिए और मेरे लिए भी, आगे ही आगे बढ़ते जाओ दूर पुरानी सभी हैरानियों से, आगे ही आगे बढ़ते जाओ दूर पुरानी सभी हैरानियों से, कल निभाए पसारी हैं ले जाएगा दूर सभी परेशानियों से, कल ने बाहें पसारी हैं ले जाएगा दूर सभी परेशानियों से। तो जो है, कभी अपने आप को कल में कैद नहीं रखना चाहिए, बीते हुए कल में, और अपने आप को आजाद छोड़ देना चाहिए आने वाले कल के लिए। अच्छे अच्छे ख्वाब देखने चाहिए, अच्छे अच्छे ख्याल रखने चाहिए, तो जिंदगी अपने आप आपको खुश कर देगी, आपको खुश होने के लिए कोई कोशिश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपसे रुख्सत लेना चाहूंगी, बहुत अच्छा सफर था आज का इन कविताओं के साथ, और बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, तो आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहें, क्योंकि मैं आती रहूंगी हर संडे ठीक 11 बजे अपनी कविताओं को लेकर। और आज शाम को मेरी जो पुस्तक थी लाइन्स ऑफ पे, जो कि शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, उसके बारे में डिस्कशन है बुक शो में प्रवीण राम टेके जी के साथ। ये डिस्कशन रात को 9 बजे है, तो इसमें भी आप लोग जुड़ें, क्योंकि उसमें कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ कहानियों पे चर्चा होगी, कुछ मेरे लिखने के सफ़र पे चर्चा होगी कि मैंने लिखना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो फिर आपसे मिलते हैं आज रात को 9 बजे। और बीच में कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। मंजू आंटी लिख रही हैं, वाह वाह सुंदर, बहुत शुक्रिया। और रेनू लिख रही है, बहुत धन्यवाद नीलम, थैंक यू। आपको बताना चाहूंगी कि रेनू भी यहाँ पे बुक शो आयोजित करती है मेरे पेज पे, हिंदी बुक्स के लिए
तो जो है अगर आप ने अच्छी पुस्तकें लिखी हैं तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें या मुझसे कांटेक्ट करें, तो आपको हम पेज पे बुलाएंगे लाइव। और शोभा जी बोल रही हैं वेरी नाइस विश, थैंक यू बुआ जी। पारुल लिख रही हैं लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक्स डियर। तो जो है ये सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।